ये पूरा है हाईवे कि कोई सिटी विटी देके जाएंगे? नहीं, टोटल हाईवे। टोटल हाईवे। फिर से करना जरा अर्पितवा, आए कहाँ भाग रहे हो? अरे आज तो बनेगा, अब कितने दिन हम शर्माए। ओके मॉर्निंग यू ऑल, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। माय नेम इज आकांक्षा, होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। आई एम सॉरी, पीछे लोग सबको ऑकवर्ड हो गया। डर लग रहा है इसको। हाँ, सो ही इज अर्पित, मेरा देवर है, एंड शी इज अदा, शी इज माय ननद। बट ये लोग हमसे बहुत छोटे हैं, तो हम दो छोटे छोटे बच्चों को आपके साथ लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। दोनों है एक, तुम नाइन्थ में हो ना? दोनों ही नाइन्थ में। बस अभी हम लोग वैसे निकल रहे हैं रांची से, वी आर ऑन आवर वे टू वाराणसी। हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। माय नेम इज आकांक्षा, होप यू आर डूइंग गुड एट होम, सेफ एंड साउंड। इंट्रोडक्शन में वापस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अपने वीडियो में ना अपना एनर्जी देख के समझ में आ गया था कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, तो सोचा फिर से किया जाए। ये है हमारा रोड ट्रिप टू वाराणसी। सो हम लोग निकले हैं रांची से वाराणसी की तरफ, जो कि कुछ 430 किलोमीटर्स दूर होगा। मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में हमें पूरे 10 घंटे लग जाएंगे। हम निकले थे कुछ 11 बजे के करीब, तो अनुमान के हिसाब से हम पहुंच जाते 9 बजे तक। बट रोड ट्रिप में गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना टायरिंग ट्रिप था ये कि पूछो मत। अरे करो ना, बोल बोल। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। The amount of pressure applied on a unit area. तो वो कितना छोटा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया फोर्स अप्लाइड। मार खाना चाहते हो? आपको अगर हम सुई चुभोएंगे तो आपको ज्यादा दर्द देगा, जबकि अगर हम आपको पंच है तो। शुरू इनका यहाँ पे भी थोड़ा देर हुआ नहीं कि पढ़ाई का बात शुरू। अब वो पकड़ा गया है, अब वो धरा गया है। वो भी क्लास 9 में है, छोटी भी क्लास 9 में है। अभी 2015 वाला टॉर्चर है। तब भी ऐसे करते थे? हाँ, तब भी पढ़ाने आते थे घर पे। स्पेशली पढ़ाने आते थे? स्पेशली पढ़ाने आते थे। घूमने के बहाने से भी आएंगे, पढ़ाने लगे थे घर पे भी। काहे काहे मोटा, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। बट तुम ये बोल के कि हम घुमाने लेके आ रहे हैं, यू डू वेल, यू स्टडी, you get all the perks, you don't do well, you don't study, you get keen. तो पढ़ तो रहे हैं जी। हाँ, इसीलिए पढ़ तो रहे हैं जी। मैं रांची भी पहली बार ही आई थी और मैं वाराणसी भी पहली बार, नहीं नहीं दूसरी बार जा रही हूँ, बट पहली बार मैं बहुत बचपन में गई थी तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये ट्रिप मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग भी था बिकॉज नए जगह जा रहे हैं, प्लस काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, तो उस इंटेंशन से मन थोड़ा और ही ज़्यादा खुश था मेरा। लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र तय हो जाने के बाद हमने लिया अपना पहला स्टॉप। अभी कुछ रामगढ़ से 2 किलोमीटर पहले वी हैव स्टॉप्ड एट दिस प्लेस टू हैव समथिंग टू ड्रिंक। आई एम नॉट गोइंग टू व्लॉग बिकॉज सत्तू बनाने बोले। वैसे हम तो बोल रहे हैं डाब पियेंगे, बट ही इज लाइक नो, वी शुड हैव सत्तू। बस मैं पूरा प्याज व्याज काट रही हूँ, पहली बार पियेंगे ऐसे, आई हैव नेवर हैड सत्तू ऐसा टाइप। थोड़ा कहाँ लिखा है, यहाँ पर उचित दामों में नारियल पानी मिलता है। सो यहाँ हम रुक गए थे पीने के लिए सत्तू। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को सत्तू के बारे में नहीं पता हो, बट सत्तू इज आवर इंडियन ड्रिंक, जो कि बनता है रोस्टेड ग्राम फ्लोर से, ठंडे पानी से और कुछ मसालों से। गर्मी के मौसम में अगर आपको स्पेशली हाइड्रेटेड रहना है और तबीयत आपको इतनी एकदम टंच चाहिए तो एक ग्लास सत्तू पी लो, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। एक ग्लास सत्तू के सामने तो अपना रू अफजा, ग्लूकॉन डी सब फेल है यार। ट्राई करना इफ यू हैव स्टिल नॉट ट्राइड येट, एंड बताना जरूर इफ यू लाइक्ड इट। इसके बाद हम निकल गए अपना ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए। हमने सोचा था 2-3 घंटे बाद हम रुकेंगे अपने लंच के लिए। वैसे घर से हम लंच भी लेके आए थे, कटहल की सब्जी आई थी और साथ में आया था पूड़ी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस वीडियो में ना आपको वॉइस ओवर ही मिलेगा बिकॉज मेरे साथ मेरे दो छोटे छोटे यू नो ननद और देवर भी थे, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक दम अनकम्फर्टेबल अराउंड व्लॉगिंग। बट स्टिल कुछ देर बाद आप देखना कि वो लोग भी ना थोड़ा सा खुल जाएंगे, आराम से आने लग जाएंगे व्लॉग्स में। बट एज फॉर नाउ थोड़ा तो समय लग ही रहा था। झोला में कितना सारा खाना है, इसमें से हम लोग कुछ कुछ तो चर भी चुके हैं। वो जो केक 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 बोल रहे थे, तो ऐसा लगा जिसकी 1-2 किलो का केक कुछ अच्छा सा लेके आए हैं। स्विस रोल लेने गए जो पहले 30 रुपया में आता था, अभी आज हमको 90 बोल दिया सीधे। सीधे केक है ये, चिकना चूर हो चुका सब, चीटा लेदर हो गया इसके अंदर। भैया लो खाओ, लो खोल दिया, लो खाओ, गाय जैसा खाओ उसको। ये मैं वैसे नहीं खाना पड़ेगा।
था हमारा सेकंड स्टॉप। वैसे हमने रास्ते में ही लंच कर लिया था, मम्मी ने कटहल की सब्जी पूड़ी और खीरा वीरा दिया था, वो हमने गाड़ी में बैठे बैठे ही खा लिया। कुछ शाम, हल्का शाम होते होते हम यहाँ पे रुके थोड़ी देर अपना बॉडी स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि इतने देर बैठे बैठे ना एकदम बॉडी की 12 बज चुकी थी। तो सोचा थोड़ा सा ठंडा गर्म नाश्ता कुछ करना है तो यहाँ कर लेते हैं। वो देखो ना दूर से अर्पित, अभी तुम छुपोगे तो तुम्हारा वो वाला वीडियो हम पक्का लीक कर देंगे। नहीं 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 मत छुपो, अब यही करके हम तुमको व्लॉग मिलेंगे, छुपोगे तो व्लॉग में डाल देंगे। अरे नहीं यार, वो अलग छुपी है। बाप रे बाप, तुमको पता है ना दादा, ऐसे करके दिखा सकेंगे, पानी के बॉटल के पीछे छुप रही हो तुम। 1 मिलियन लोग हम लोग को देख रहे हैं। और शाम के 5 बजे थे, हमने अपना मेजर रास्ता जो है कवर कर लिया था, बट यहाँ से हमारे ट्रिप ने ना अपना रुख मोड़ लिया था। सामने दिख रहा है आपको ट्रक, हम फंस गए थे जाम में, और कोई मामूली जाम नहीं था, ये बहुत ज़्यादा लंबा जाम था। मतलब आगे ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, और कुछ नहीं था आगे। हमें लग रहा था आगे जाके जाम जो है क्लियर हो जाएगा, बट अभी बिहार बॉर्डर क्रॉस करने से हम बहुत पहले ही अटक चुके थे। मतलब ये जो जाम है ये बिहार बॉर्डर तक लगी हुई थी, और ये जाम जो है अगर हम इस जाम में बैठे रहते तो हमारी जो रात होती वो इसी जाम में अटकती, और शायद हम सुबह तक इसी जाम में रहते। यहाँ जो है हमारा गिव अप होना शुरू हो चुका था। अभिनीत भी गया था बहुत हद तक आगे देखने के लिए कि क्या सीन है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं पवन जी, वो भी काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कोई ना कोई रास्ता, बट कुछ नहीं हो पाया। फिलहाल हमें मिला एक पतला सा जगह जो कि पूरा रोड ये बना हुआ नहीं था, बट यहीं से हमने अपना निकाला गाड़ी। थोड़े आगे जाने के बाद हमने पकड़ा सर्विस रोड, वहाँ से हम गए दूसरे लेन पे। पवन अंकल के पास भी बहुत पेशेंस था कि वो ना इतना शांति से इतने ज़्यादा जाम वाले रास्ते में भी ना अपना पेशेंस उन्होंने ना लूज़ नहीं किया, नहीं तो हम लोग के साथ ना उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बट काफ़ी देर तक आगे जाके कुछ ना कुछ गलियां से हमें निकाल के हमें दूसरे साइड के रोड पे ले जाके हम रुके एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हमने लिया अपना लू ब्रेक। ये देखो, ये वो ट्रक की लाइन जो कि ना मतलब बहुत पहले से भी लगी हुई है और आगे भी ऐसी ही लगी हुई है, तो यहाँ के रास्ते में कुछ चल ही नहीं रहा था। भाई साहब सो जाए, ठीक है। अब वाराणसी पहुँचने के लिए हमने अपना रूट ही बदल लिया था। जहाँ हम पेट्रोल पंप पे रुके थे अपना लू ब्रेक के लिए, वहाँ पे ड्राइवर जी ने वहाँ के लोगों से पूछ के एक लिस्ट बना लिया था उन गाँव का, जिनको हम अंदर अंदर से क्रॉस करके मोहानी तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से डायरेक्टली जब हम हाईवे की तरफ निकलेंगे तो हम आपके टोल गेट के पास पहुँचेंगे, जो बिहार बॉर्डर का टोल गेट हमारा क्रॉस होने वाला था। वैसे देखा जाए तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कहाँ हम सुबह निकले थे कि हम हाईवे पार करके आराम से पहुँच जाएंगे वाराणसी, और कहाँ एकाएक हमारा पूरा रूटीन ही चेंज हो गया, हमारा रास्ता चेंज हो गया और हम पहुँच गए थे गांव के बीच में। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिस्पाइट द ट्रैफिक दैट वी सी इन द सिटीज़। यहाँ पर आपको वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लस आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि गांव के बीच में सड़कें इतनी नॉर्मल और इतनी अच्छी बनी हुई थी, जिसका कोई हद नहीं था। हाँ, यहाँ पे बीच बीच में कुछ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स भी थे, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं भाई साहब ऊपर चढ़े हुए थे कोई तार ठीक करने के लिए, बट बाकी ये जो मतलब रूट था हमारा बहुत ही अच्छा गया, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके बाद हम पहुँच गए मोहानी, वहाँ से हमने पकड़ा वापस से हाईवे और आके अटक गए हम फिर से ट्रैफिक जाम में। रास्ते में अटके हुए हैं ट्रकों के बीच में, एक को लाइट नहीं है और ट्रक वाले सब सो गए ऐसा लग रहा है। उस साइड में पूरा चल रहा है बम्पर, ठीक है, और यहाँ हम लोग बस अटके हुए ही हैं, आगे पीछे सब जगह से। जहाँ हम 9 बजे पहुँचने वाले थे वाराणसी, वहाँ पे हम पहुँचे हैं वाराणसी रात के कुछ 12:30-1 बजे के करीब। बेस्ट पार्ट, और ये हमारी ही बुद्धिमत्ता है कि हमने ना होटल बुकिंग नहीं की थी, वो इसलिए क्योंकि हमें लगा था यूजुअली होटल्स मिल जाते हैं हर जगह, बट क्योंकि हमने रॉन्ग वीकेंड चूज़ किया था, एज इन ये वाला जो वीकेंड था ना ये गुड फ्राइडे वाला वीकेंड था, तो भीड़ जो है काशी में वो बम्पर आई हुई थी, और इतनी कि हमें बहुत समय तक वहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिला। बट लास्ट में मेरे एक मामा जी रहते हैं वाराणसी में, उनसे बात करने के बाद हमें फाइनली एकदम ही गंगा तट पे, जहाँ पे स्पेसिफिकली जहाँ पे गंगा आरती होती ना, उसके ठीक सामने ही हमें हमारा होटल मिल गया था। और साथ ही साथ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। This BHU.
So he went asking for money from people to people. And then not a lot of people were giving money. He went to Hyderabad ka Nizam. And then he asked for something. So Nizam ji kuch nahi diye. Okay. फिर गए तो ये जूता उनको निजाम का जूता मिल गया, एक जूता मिल गया तो निजाम का जूता का गोली लगवा दिया हैदराबाद का चौक पे। अच्छा। तो निजाम के ऊपर फिर क्वेश्चन उठ गया कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया, निजाम का जूता खरीद लेगा कोई वैसा टाइप का। तो देन निजाम वल्लाह कि आपका ब्रेन का दाद देते हैं, माफ कीजिए आपको कितना पैसा चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। देन ही गेव मनी फॉर द यूनिवर्सिटी Also another fact, the founder of BHU, the great Madan Mohan Malviya ji, is actually Abhineet's great grandfather, as in हमारे बड़े नाना जी हैं। एंड इनके बारे में जानना प्लस वो BHU के फाउंडर है ये सुन के तो मेरा एकदम वाओ टाइप्स फैक्टर हो गया था। ये दिन तो हमारा मेजरली रास्ते में ही कट गया था, बट वी वर जस्ट प्रेइंग कि अगला हमारा दो दिन अच्छा रहे वाराणसी में। एंड दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। बाय बाय, जय हिंद।